Good morning, my dear students. Today, IDP Shukla again with a new video regarding to the objective type questions on the chapter photosynthesis. Some more questions, come and see. आइए देखते हैं इसको. Where does light reaction takes place? तो आपको मालूम है light reaction को light dependent phase भी कहा जाता है. ठीक है, कहाँ होता है? ग्रेनम, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियस. तो ग्रेनम में होता है. कहाँ होता है? ग्रेनम. ठीक है, दूसरी देखो. व्हाट हैपेंस इन डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन क्या होता है बताओ. इसमें देखा समझ में क्या है? ग्रेनम, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसी में होता है. ठीक, यहाँ पर व्हाट हैपेंड इन द डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन क्या होता है? तो CO2 इज रिड्यूस्ड. क्या होता है देखो, CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ATP इज फॉर्म, O2 इज प्रोड्यूस्ड. तो वास्तव में इसमें CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज. ठीक, फिर आओ देखते हैं. फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्या होगा, क्या बनता है फोटोफॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. एडीपी से एटीपी बनता है. तो इसमें देखिए कई चीजें हैं, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, एएमपी. तो इसमें आपको एटीपी बनेगा. क्या बनेगा? एटीपी का फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ टू इज फॉर्म्ड बाई डैश ऑफ वाटर. तो क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ना तो फोटो रिस्पिरेशन होता है, फोटोलिसिस होता है, फोटो रिएक्शन होता है, नन ऑफ दिस. तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है, अच्छा. अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए. डैश एब्जॉर्ब सनलाइट, कौन एब्जॉर्ब करता है सनलाइट? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. क्या? क्लोरोफिल. न तो एंजाइम, न वाटर, न हीमोग्लोबिन. ठीक है, इनका काम है. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ड्यूरिंग डे टाइम डैश ओनली फोटोसिंथेसिस. अब देखिए क्या होता है. ड्यूरिंग डे टाइम ओनली फोटोसिंथेसिस होता है, ओनली रिस्पिरेशन होता है, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन टेक्स एंड नॉट बी एबल. तो बोथ फोटोसिंथेसिस एंड बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस, चाहे दिन हो चाहे रात. रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लेकिन ठीक. तो इसको ऐसे समझ लो बस. ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली नहीं, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन अकर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस? सनलाइट नहीं इफेक्ट करती, करती है. टेम्परेचर, ठीक है, कंट्रोल करता है. क्लोरोफिल कंट्रोल करता है, सॉयल भी कंट्रोल करता है. तो इसमें कौन सा? सनलाइट यूज होता है. ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको. अब लास्ट क्वेश्चन है आपको. द ग्लूकोज इज द ट्रांसफर्ड थ्रू डैश इनटू द डिफरेंट प्लांट पार्ट. तो थ्रू फ्लोएम. क्या? कौन? फ्लोएम. तो फ्लोएम में देखिए किसके थ्रू जाएगा? फ्लोएम के थ्रू, न तो आर्टरी, न वेन, न जाइलो. ठीक, तो इसको आप लोग अपने कॉपी पर फिर से करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे और लोगों की भी तैयारी हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की. थैंक यू.